पता है आपको, नन्हे से बालवीर बड़े हो गए हैं। हाँ, और बालवीर सीरियल में वापस आ रहे हैं वो। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सीरियल में देखें, उनके साथ अच्छे से जान पहचान तो कर ले। देखिए, उनके जीवन के कुछ पल बांटे उनके साथ और मजेदार सा एक डे आउट कर लेते हैं हमारे नन्हे से बालवीर के साथ, जो अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। पर्दे का सुपर हीरो लेकिन रियल लाइफ में परियों के साथ डांस करता, ये लड़का जो सबका दुलारा है, रियल लाइफ में बड़ा ही संस्कारी है, जो सुबह सुबह करता है योगा, खाता है पौष्टिक खाना, लेकिन घर पर डिस्को की धुन पर डांस करता है। घर से सेट तक इसे है म्यूजिक का शौक, इसे है डांसिंग का शौक, लेकिन साथ साथ अपने घर को अपने हाथों से संवारता है। घर से सेट तक के सफर के दौरान अपनी पढ़ाई करता है, सेट पर जाकर मेकअप शेकर लगाकर बन जाता है सुपर हीरो बालवीर, जो एक बार फिर से लौट आया है आपके घरों में। यह सास बहू और बेटियां आज पूरा दिन बिता रहा है हमारे बालवीर यानी देव जोशी के साथ, जो एक बार फिर से लौट रहे हैं सब टीवी के सीरियल बालवीर रिटर्न्स में। देव जोशी ने बालवीर बनकर अपने पहले सीजन में सबका दिल चुराया, लेकिन एक बार फिर से वो लौट आए हैं एक नए लुक में, एक नए अंदाज में, नई कहानियों, नए तेवर के साथ। लेकिन रियल जिंदगी में देव जोशी कैसे हैं, कैसा है उनका घर? भाई, बालवीर ही ऐसा शो था जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था और देव जोशी को मिला था ये पुरस्कार। अपनी उत्कृष्टता के लिए बाल शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया जा रहा है मास्टर देव दुष्यंत कुमार जोशी। इसलिए देव जोशी की कहानी जाननी जरूरी है, इसलिए सास बहू बेटियां आज कर रहा है देव जोशी के साथ डे आउट यानी घर से सेट तक का सफर। कैसे हैं वो पर्दे के पीछे, कैसे बनता है उनका किरदार, कौन है उनके संगी साथी, भाई ये सब जानने के लिए हमें इसकी शुरुआत करनी होगी देव जोशी के घर पर जाकर, बजा के घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हेलो, नमस्ते, वेलकम। सास बहू बेटिया के सारे व्यूअर्स को, आज तक के सारे व्यूअर्स को वेलकम टू माई होम। और आज आप मेरे साथ डे आउट पर आ रहे हैं, सो वी विल एंजॉय अ लॉट। यूं तो जेठ जोशी अहमदाबाद में पले बड़े हैं, लेकिन बालवीर की वजह से ये मुंबई वासी बन गए। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की लेकिन अब वापस मुंबई में आ गए हैं और मुंबई में बसा लिया है इन्होंने अपना आशियाना। अब नया सीरियल है इसलिए मुंबई में अपने नए घर में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कैसी होती है इनकी सुबह? दिन की शुरुआत में सुबह उठ के मैं सबसे पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर यहाँ पे आइए, ये है मेरा लिविंग रूम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सुबह उठ के मैं ये व्यू देखता हूँ, एकदम रिफ्रेशिंग वाइड व्यू और माइंड ओपनिंग, एक मेडिटेशन टाइप का ही एक ये व्यू है जो आपको 10 से 15 मिनट में एकदम रिलैक्स कर देता है और आपको एक नए दिन की फ्रेश स्टार्ट देता है। तो बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे खड़े होके एवरी मॉर्निंग। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ओ मेरे साजना। इस व्यू को देखकर यही गाना याद आता है। अपने घर की बालकनी से मुंबई के मौसम का ये व्यू उन्हें कर देता है तरोताजा और उनकी दिन की शुरुआत होती है बेहतरीन। भाई, इसके बाद वो अपने छोटे से मंदिर में जलाते हैं दिया और लेते हैं भगवान का आशीर्वाद। और करते हैं दिन की शुरुआत। वैसे रियल लाइफ में खुद को फिट रखने के लिए हमारा बालवीर यानी देव जोशी अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखता है। जिम और मेरे बोरीवली में एक डाइटिशियन है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ एवरी वीक। सो पूरा शेड्यूल एक टाइट रहता है। आज नौकरी शिफ्ट है इसलिए मैं ना ही जिम ना ही जिमनास्टिक जा पाया हूँ, और एवरी डे अगर नहीं जाते हैं तो थोड़ा सुस्ती होती है, लेकिन हो जाता है मैनेज, क्योंकि मैं घर पे भी थोड़ा स्ट्रेचिंग और थोड़ी एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ। देखिए कैसे करते हैं योगा और एक्सरसाइज। वैसे उन्हें डांस का बहुत शौक है और सुबह सुबह थिंचा गाने बजाते हैं और खुद को इस हैप्पी डांस से पूरे दिन के लिए हैप्पी रखते हैं। और जरा देखिए तो इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? पर ये गुजराती हैं इसलिए गरबा बेस सॉन्ग उन्हें सुबह सुबह एनर्जी देता है।
भाई इतने वर्कआउट और डांस के बाद अब बारी है पेट पूजा की, तो चलते हैं देव जोशी की रसोई में और देखते हैं क्या होता है उनके सुबह का नाश्ता। हेल्दी खाना खाना पड़ता है और इसलिए कॉर्नफ्लेक्स है या फिर कोई भी चॉकलेट मिल्क का ड्रिंक है तो मैं वो पीता हूँ, और कभी कभी गुजराती नाश्ता करने का मन होता है तो खाखरा है, चिवड़ा है और हमारे पास मसाला पूरीज है, तो बस वो सब खाते हैं। और पापा हमारे लिए बड़ोड़ा से जो स्पेशल चिवड़ा लाते हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो भी खाता हूँ, लेकिन आज हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है तो आज मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा। भाई शायद सुपर हीरो की एनर्जी का राज है ये दूध और ये कॉर्नफ्लेक्स, और उसके साथ देव का बेस्ट फ्रेंड है उनका ये रेडियो जहाँ पर वो अपने फेवरेट गाने बजाते हैं और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। जरा लेते हैं देव जोशी के मुंबई वाले घर का टूर। यूं तो इनकी फैमिली अहमदाबाद में है लेकिन मुंबई में भी इन्होंने छोटा सा घर बना लिया है जिसे बहुत ही सिंपल तरीके से सजाया है, फिर चाहे वो उनका कमरा हो, उनकी रसोई हो या फिर हो उनका ड्राइंग रूम। हमारा जो अहमदाबाद में भी जो घर है वो एकदम सिंपल एंड सोबल है और एकदम कुछ ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, हमें साफ चीज़ें और कम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं एक ही सोफ़ा है और टीवी है और एक मेरा फेवरेट ब्लूटूथ स्पीकर है, सो बस इतनी ही चीज़ें हैं और एक डाइनिंग टेबल है, तो बस इतनी ही चीज़ें हमने इस रूम में रखी है और बड़ा ही सिंपल एंड सोबल एकदम अच्छा लगे और ज़्यादा भरा भरा भी नहीं और ज़्यादा लोग रह भी सके एक साथ, वैसा घर हमने बनाया है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप देख भी सकते हैं, मैंने इसे बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है सेट पर या फिर मैं कहीं ट्रैवलिंग में जाता हूँ तो ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो कौन सा गाना सुनते हो, पसंद करते हैं उसमें स्पेशली जो गज़ल्स है जगजीत सिंह जी की और कई सारी गज़ल्स है, कई सारे पुराने गाने हैं जो इसके अंदर 5000 पुराने गाने हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इन्हें सुनकर और रिफ़्रेश हो जाता हूँ मैं। पुराने गाने मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये लिया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था। ये हमारा किचन है और यहाँ पे सब गुजराती नाश्ता भरा हुआ है, खाखरा एंड चिवड़ा और सिंग चना है, मसाला पूरी है और ये सारी चीज़ें घर में हमेशा रहती है एंड जब भी गुजरात जाते हैं तो हम भर के लाते हैं कि यही नाश्ता होना चाहिए घर में, और सेट पर भी हमेशा मेरे साथ बास्केट में रहता है, तो खाखरा और बड़ोड़ा का फेमस चिवड़ा है वो भी हमेशा साथ में लेकर आते हैं, तो हमेशा सेट पर भी सबको वेट रहता है कि जब भी देव के पापा आए या मैं भी जब 10 दिन के लिए गुजरात से वापस आता हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर आए, मिठाइयाँ लेकर आए, और यहाँ से भी हम जब गुजरात जाते हैं जैसे मुंबई का हलवा बहुत फेमस होता है तो वो भी हम वहाँ पर सबके लिए लेकर जाते हैं। जी ये है हमारा बेडरूम। भाई आजकल देव जोशी के मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं इसलिए अकेले ही अपनी रूटीन मैनेज कर रहे हैं। भाई अब वो रेडी हैं सेट पर जाने के लिए इसलिए उन्होंने पहने अपने जूते, अपना बैग रेडी किया, उनके कजिन ने उनका सब सामान सेट किया और देव निकल पड़े बालवीर रिटर्न्स के सेट पर जाने के लिए। चलिए तो टाइम हो गया है अब सेट पे जाने का। सवार हो जाते हैं देव के साथ उनकी गाड़ी में। देव रहते हैं मुंबई के बोरीवली इलाके में और इनका सेट है मुंबई के मालवानी इलाके में। जाने में लगते हैं पूरे 40 मिनट और रास्ते में मुंबई की भारी बारिश इनका स्वागत करती है, लेकिन बिना रुके ये सवार हो जाते हैं अपनी इस बड़ी सी गाड़ी में। जो कार है सफारी मेरी मम्मी की फेवरेट कार है तो इसलिए हमारे पूरी फैमिली को SUV कार बहुत पसंद है, तो इसलिए हम हमेशा SUV कार ही रखते हैं। लोग सोचते हैं बॉम्बे में बड़ी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए, आपको टाइम लगता है पहुंचने में, लेकिन कंफर्ट लेवल भी उतना होना चाहिए, इसलिए हमेशा हम SUV में ही ट्रैवल करते हैं। घर से सेट तक के दौरान देव अपनी पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, देव आजकल पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कर रहे हैं और रास्ते में ही अपने नोट्स पढ़ते हैं। मैं हमेशा सेट पर स्टडी करता था, मेरी मम्मी जो है वो हमेशा बुक्स लेकर साथ में रहती थी, तो जब भी शॉर्टकट होता था तो मैं पढ़ाई करने मम्मी के पास चला जाता था। फिर आज भी वैसे ही है, जैसे आप देख सकते हैं मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की नोट्स है वो हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। सो ये मैं पॉलिटिकल साइंस की नोट्स है मेरी जो मेरे फ्रेंड्स मुझे भेजते हैं, तो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं सेट पर स्टडी करने बैठ जाता हूँ और हमारे डायरेक्टर सर भी मुझे स्टडी करने के लिए टाइम देते हैं, और अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है जैसे 5-6 दिन है तो मैं फिर अपनी यूनिवर्सिटी विजिट कर लेता हूँ और वहाँ पर भी अपने टीचर्स के साथ अपने डाउट्स है वो सब सॉल्व कर लेता हूँ। और अपने घर से सेट तक के सफ़र को
प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं। भाई सीरियल बालवीर ने देव जोशी की लाइफ बदल दी। भाई इसी की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल शक्ति पुरस्कार 2019 में दिया था और अब एक बार फिर से यही सीरियल उनकी किस्मत बदलने जा रहा है क्योंकि एक नए अंदाज में ये सुपर हीरो सब टीवी पर रिटर्न कर रहा है। जी हाँ, यही वो सीरियल है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी इनके सीरियल और बालवीर को बहुत पसंद करते हैं। एक्टर्स के साथ शर्मिली दीदी है, कृतिका दीदी है, भाविका दीदी है, सारे लोगों के साथ एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग धीरे धीरे बन रहा है क्योंकि है तो बालवीर रिटर्न्स एक नया कॉन्सेप्ट है और चैनल के लिए भी, हमारे लिए भी, तो बहुत मजा आ रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑफकोर्स व्यूअर्स को वो देखने में बहुत मजा आएगा। बारिश को चीरते हुए हम देव जोशी के साथ पहुंचे उनके सीरियल बालवीर रिटर्न्स के सेट पर। सीधा चलते हैं उनके बेकअप रूम में जहां वो बन जाएंगे देव जोशी से बालवीर। चलिए तो हम सेट पर पहुंच चुके हैं और अब मैं देव जोशी से बनने जा रहा हूं बालवीर। तो आप भी देखिए कैसे बनता है बालवीर। भाई बालवीर बनने के लिए उनका लंबा चौड़ा मेकअप होता है। सबसे पहले चेहरे का मेकअप, आंखों का मेकअप, फिर उनके चेहरे की रंगत थोड़ी बदली जाती है। उसके बाद बालों की हेयर स्टाइलिंग होती है जिसमें उनके मेकअप और हेयर दादा देव जोशी का काम करते हैं। वैसे मेकअप कराने के बीच में भाई देव जोशी को गाना गाने का बहुत शौक है और वो रैप भी करते हैं। आखिरकार उनका मेकअप हो गया, हेयर हो गया और अब वो उन्होंने पहने अपने जूते, लेकिन उनकी कॉस्ट्यूम काफी अलग है। तो जरा चलते हैं सेट पर जहां वो पहनेंगे अपनी कॉस्ट्यूम। मैंने शूज पहन लिए हैं, लेकिन मेरा जो बाकी का कॉस्ट्यूम, एक और लेते हैं ऑर्डर। चलिए तो मैंने शूज पहन लिए हैं और मेरा जो बाकी का कॉस्ट्यूम है वो बहुत हैवी है और इसलिए मैं वो कॉस्ट्यूम सेट पर जाके पहनूंगा। तो चलिए मेरे साथ सेट पर चलते हैं देव के साथ उनके मेकअप रूम से उनके सेट पर, जहां पर एक ग्रीन कोमा के ऊपर वो बन जाएंगे बालवीर। भाई बालवीर बनने के लिए उनकी एक भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है, सर पर ये मुकुट लगाना पड़ता है और भारी भरकम जूतों के साथ बालवीर का वही अंदाज आ जाता है सबके सामने। भाई बालवीर तो एक कॉस्ट्यूम में रेडी है, लेकिन मिलते हैं बालवीर की फैमिली से जिसमें शामिल है उनका बेस्ट फ्रेंड डूबा डूबा और उनकी माँ बालपरी। जहाँ ये दोनों किरदार पिछले सीजन की तरह इस बार भी नजर आएंगे, जिन्हें निभा रहे हैं शर्मिली राज और श्रीधर। डूबा डूबा मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड, बालवीर के सबसे बेस्ट फ्रेंड और रियल में भी देव जोशी के बहुत ही अच्छे दोस्त है ये। कैसे हैं श्रीधर भाई? मजे में हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है बालवीर रिटर्न्स में आपको, कैसा महसूस हो रहा है इस शो के बारे में? ये रिटर्न आके बालवीर रिटर्न्स में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख ही रहे डूबा डूबा में कितना बदलाव आया है, ये दाढ़ी मूछ आईब्रोज हो गए आ गई है और कैरेक्टर भी काफ़ी चेंज हो गया है, आप देखिए मज़ा आएगा आपको। वंडरफुल। और साथ ही साथ मेरी माँ बालपरी जो हमेशा मुझे सही राह दिखाती है, हमेशा मेरी मदद करती है, वो भी यहाँ पर है, शर्मिली दीदी। सो आपको कैसा महसूस हो रहा है बालवीर रिटर्न्स में? बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने साल जब बालवीर नहीं शूट हो रहा था तब भी सारे बच्चे फ़ोन करके हमें बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि कब वापस शुरू हो रहा है, एंड आई वाज लाइक मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन अब वापस आ रहे हैं हम तो बहुत अच्छा लग रहा है कि येस वी आर बैक टू द ऑडियंस दैट लव्स अस एंड वी लव देम अ लॉट। अब मिलते हैं बालवीर की फेवरेट परियों से, जहां इन परियों की वजह से ही तो बालवीर को शक्तियां मिलती हैं। परीलोक हमारे वीर लोक की परियां, ज्वाला परी है, मस्ती परी है, पानी परी है और ध्वनि परी है। सो इन्हें तो सब लोग धीरे धीरे इंस्टाग्राम पेजेस पर देख रहे हैं। सो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग बालवीर में एज अ परी का रोल करके बालवीर रिटर्न्स में? पहली बात तो ये कि बालवीर हमारा वापस आ गया है तो पूरी आवाम बहुत खुश है, एंड दूसरी बात कि हम इस बालवीर के साथ परिया बन के आए तो इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है। बालवीर के साथ काम करते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती करते हैं। कि बालवीर ना उसे गाने तो पसंद है पर इतना गाना पसंद है कि हैज़ अ स्पेशल कारवान, वो आता है सुबह से उसके गाने शुरू हो जाते हैं तो हम सब चिल डाउन मूड में रहते हैं। देखिए बालवीर की कैसी फैन है और बालवीर भी इनका एंटरटेनमेंट करते हैं अपने डांस के साथ। यकीन नहीं हो तो देखिए आंख मारे पर कैसे देव जोशी इन परियों के कन्हैया बने हुए हैं।
आई थिंक बालवीर ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस दिखते हैं, लेकिन इनको पूरा पता चलता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, एंड ही इज़ द मेन गॉसिप किंग ऑन सेट आई थिंक। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। भाई पूरे दिन की शूटिंग मस्ती और भागम भाग के बाद अब वक्त है लंच का, तो देखते हैं कि हमारा बालवीर यानी देव जोशी लंच में क्या खाते हैं। आज तो लंच में दाल खिचड़ी है और दही है उसके साथ और पापड़ है। मैं हमेशा हेल्दी डाइट प्रेफर करता हूँ, मेरे डाइटिशियन ने उन्होंने मुझे कहा है कि आपको लंच में लाइट ही रखना है, इसलिए मैं दाल खिचड़ी और दही खाता हूँ। लेकिन हमेशा लंच करने के टाइम मैं मेरे मम्मी पापा को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि हम साथ में ही हमेशा लंच करते हैं, और वो पिछले कुछ दिनों से नहीं है मेरे साथ, लेकिन वो जल्द मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि जब आए तब मैं उनके साथ बैठ के लंच करूँ। तो बहुत वेट कर रहा हूँ मैं उनका, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ये दाल खिचड़ी अच्छी लगती है मुझे, फेवरेट है मेरी, इसलिए एंजॉय करते हैं। चलिए अपनी खिचड़ी को एंजॉय कर रहे हैं देव, और इसके बाद वो चले गए वापस शूटिंग पे, और उसके बाद हो गया उनका पैकअप, यानी वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। सो सास बहू बेटिया, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल डे आउट विथ मी। आज बहुत ही मज़ा आया मुझे, आप मेरे घर पर आए, फिर मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, मेरे साथ पूजा भी की, फिर हम सेट पर आए। आपने देखा कि देव से बालवीर मैं कैसे बनता हूँ, कैसे मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, कैसे मैं मेकअप करता हूँ। आज आप मेरे साथ पूरा दिन रहे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस आप हमेशा इसी तरह खुश रहे। तो उम्मीद है पर्दे के बालवीर के साथ पूरा दिन बिताकर आपको देव जोशी के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता चली होंगी, जो आपको बताई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। पर दर्शकों की मांग पर बालवीर एक बार फिर से बालवीर रिटर्न कर रहा है, तो उम्मीद है इस बार भी बालवीर को वही प्यार मिले जो पहले सीजन में मिला था। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक।